वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने, बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए मोदी सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इससे किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, बल्कि जिन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे उन्हें अधिकार दिलाने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। आज अगर वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं तो उसे वो शक्तियां देने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दी कि आज स्थिति ये हो चुकी है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी संस्था बन चुका है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में वक्फ बोर्ड को लगातार ताकतवर बनाया। हद तो तब हो गई जब 1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। 1995 के वक्फ एक्ट के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होगी कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने लोगों की जमीन पर कब्जे करने शुरू कर दिए। वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने की भूख इतनी बढ़ती चली गई कि वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर अपना दावा कर दिया। इसके अलावा तमिलनाडु के 18 गांव की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ बोर्ड ने ले लिया। और तो और 2018 में वक्फ बोर्ड ने ताजमहल तक पर दावा ठोक दिया था। इस तरह की मनमर्जी को ही रोकने के लिए मोदी सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिससे कि वक्फ बोर्ड की मनमर्जी पर रोक लगाई जा सके।